नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट इन दिस इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर। हिमाचल प्रदेश का ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपने कदम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है और उसी के एक कार्य के अनुरूप ये अध्ययन केंद्र ने आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज हम कुछ देर के लिए ये चर्चा करेंगे कि हमारा सामाजिक जीवन कल और परसों कैसा होने वाला है। कल से मतलब हमारा है कि जो हमारा इमीडिएट फ्यूचर है, जो महीने, दो महीने, तीन महीने में जैसे जैसे कोरोना का संकट धीरे धीरे पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे कम होगा और कम होने तक और जब तक ये समाप्त होगा तब तक की स्थितियाँ क्या बनेंगी, उस साल तक के और साल से थोड़ा कम या ज़्यादा समय में हमारे सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और दीर्घकालीन व्हाट आर गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटल लाइफ। एंड वी ऑल नो दैट देर इज लॉट ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड। द मेजर फोकस इज ऑन इकोनॉमी एंड हाउ टू रिवाइव इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एंड ऑल्सो हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी आफ्टर द पैंडेमिक इज ओवर एंड हाउ टू रिकवर, बिकॉज देर इज नो डाउट दैट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक द एक्टिविटी इज एट स्टैंड स्टिल। बट एक्टिविटी इज स्टैंड स्टिल नॉट ओनली एट द इकोनॉमिक फ्रंट बट एट द सोशल फ्रंट ऑल्सो। वी ऑल नो दैट the initial period, initial days of the month of March 2020, the fear of an unknown virus started entering into our minds, and we all, everyone, every citizen, rather every human was little scared, fearful, because the new virus that was identified to be even non-living, a small particle, a minute particle, microparticle, and the behavior of this particle was almost not known. The 4 months experience of China of either creating it or accidentally creating it and suffering because of this was not shared with the rest of the world. So every country, every society started anew. इसको समझने के लिए, इस वायरस को, इस विषाणु को समझने के लिए सब ने अपने अपने प्रयास किए। कुछ देश ने कुछ देशों ने इसको गंभीरता से लिया, कुछ देशों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के नेतृत्व ने इसकी गंभीरता को समझा, अपने अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपर्ट्स की सलाह पर इस की गंभीरता को समझा और समझ करके इसके लिए
एक योजना बनाई और योजना जो है वो एक छोटी योजना 22 मार्च को हुई, जिसमें हम सब ने हमारे एकात्मता और एकता का प्रदर्शन किया। मगर 24 मार्च से फिर हमको एक सामूहिक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया और हमने सबको फॉलो किया। ये लॉकडाउन की शब्दावली के बारे में भी कुछ चर्चा हुई, क्योंकि विषय उठा कि शुड वी कीप द फिजिकल डिस्टेंस और वी शुड बी कीप द सोशल डिस्टेंस, बिकॉज फिजिकल डिस्टेंस रिक्वायर्स दैट वी डोंट कम इन द रेडियस ऑफ 2-3 feet। ये डिस्टेंस भी बढ़ता कम होता गया। आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि अगर सेफर इज टू बी अवे एटलीस्ट 2-3 meters, बिकॉज उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं दे विल नॉट रीच यू इफ़ यू कीप दैट डिस्टेंस, बट इफ यू कीप लेस डिस्टेंस देन इट मे बी ए प्रॉब्लमेटिक केस। एंड वी वर टोल्ड टू रिमेन इन हाउस, जिसको घरवास कहा गया, यू स्टे विद इन योर फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, एंड दिस फोर वॉल ऑफ द हाउस इज ए लिमिट फॉर द मूवमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये कुछ देशों ने नहीं किया है और हम देख रहे हैं कि जिन्होंने नहीं किया उनके सामाजिक जीवन में इतना डर हो गया है, वहाँ पर इसका संक्रमण इतना अधिक और इतना तेज़ी से है, जहाँ की मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई है, जिन्होंने इस लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया। हम लोग थोड़ा लकी हैं कि हमने इस लॉकडाउन को सीरियसली लिया। और इस प्रकार से 3 काल बनते हैं। अगर देखा जाए तो हम आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वी आर विटनेस टू ए वेरी 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 लैंडमार्क टाइम, बिकॉज द एंटायर ह्यूमैनिटी इज अंडरगोइंग ए ट्रिमेंडस चेंज इन द नॉट ओनली इन द लिविंग स्टाइल बट ऑल्सो इन द थॉट प्रोसेस, बिकॉज द कंट्रीज द सोसाइटीज विच आर सपोज टू बी हाईली डेवलप्ड बोथ इकोनॉमिकली एंड इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस ऑल्सो, विच क्लेम टू बी हैव द बेस्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम्स, दोज सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड। बट द कंट्रीज वेयर द डेवलपमेंट प्रोसेस वॉज वेरी क्विकली गोइंग ऑन, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली ऑफ द हेल्थ सेक्टर वॉज जस्ट इवॉल्विंग, लाइक इन आवर कंट्री आवर हेल्थ सिस्टम इज नॉट वट इट शुड हैव बीन, बट इट इज इवॉल्विंग, इट इज इम्प्रूविंग। एंड द एक्सपीरियंस शोज दैट दोज कंट्रीज विच हैड वेरी इफेक्टिव इकोनॉमी विच हैड वेरी स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम विच हैड वेरी स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम, दे हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज द COVID-19 स्प्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। बट एवरीवेयर, वेदर इट इज ए डेवलप्ड कंट्री, वेदर इट इज ए डेवलपिंग कंट्री और एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, वेदर इट द रिच पीपल और द पुअर पीपल और द मिडल क्लास, everyone is impacted by this, and we can divide the entire period into 3 phases. One is pre-COVID, second is COVID period, and third is post-COVID period. Post-COVID period we can discuss in 2 parts. One is the immediate post-COVID period and one is the distant long-term COVID period, jisko humne hindi mein kaha कि कल और परसों। कल मीन्स द इमीडिएट फ्यूचर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोविड, एंड परसों मीन्स द लॉन्ग टर्म, साल, 2 साल, 5 साल के बाद क्या होने वाला है। इकोनॉमी की लोग बहुत बात कर रहे हैं और कई चर्चाएं इस पे हुई हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, इकोनॉमी
केवल रिग्रेशन में नहीं गई है, डिप्रेशन में गई है, हो सकता है ये नेगेटिव में भी जाए, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत प्रयास करने की और प्रयास करने की भी आवश्यकता है। परंतु सामाजिक जीवन में क्या होने वाला है इस पे भी कुछ समझने की सोचने की बात है। हम देखें कि एक कोविड के पीरियड में, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो घरवास का पीरियड है, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। पहली चीज़ तो ये महत्वपूर्ण हुई कि सबके मन में एक भय सा तो है, हम कितने भी बहादुर हों, कितने भी बोल्ड हों, मगर कहीं ना कहीं एक ये आशंका तो है ये कि ये कब मुझे या मेरे संबंधियों को, मेरे आसपास के मेरे प्रिय लोगों को ये कब पकड़ लेगा और कब क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ये थोड़ी सी एक भय भी कह सकते हैं, इसको आशंका भी कह सकते हैं, दिस कैन बी ए फियर एंड दिस कैन बी एंग्जाइटी आल्सो। इसके कारण से हर व्यक्ति में एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी, एक जो आपका तनाव का जो एक वातावरण जो बना है वो थोड़ा थोड़ा पहले से बड़ा है, प्री कोविड पीरियड से ये बड़ा है। वो स्थितियाँ बदली हैं और उन बदली स्थितियों में ये धीरे 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 बड़ा है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि हम इसके आदि हो गए, वी बिकेम हैबिचुअल टू दिस एंड ग्रेजुअली वी हैव लर्न टू लिव विद दिस स्टेइंग बैक इन द हाउस एंड वर्किंग फ्रॉम द हाउस, नॉन परफॉर्मिंग ऑल्सो, सम ऑफ अस वर्किंग फ्रॉम होम, सम ऑफ अस आर डिवोटिंग आवर टाइम्स टू अदर एक्टिविटीज, बट मोस्ट ऑफ अस आर एट होम एंड आवर रूटीन एक्टिविटी हैज अंडरगॉन ए ट्रिमेंडस चेंज। हम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ऑफिसेस के लिए नहीं जा रहे हैं, हम मॉल्स में नहीं जा रहे हैं, हम रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम ब्याह शादियों में हो भी रही हैं तो हम नहीं जा रहे हैं, हम वैसे ही मटरगस्ती नहीं जा रहे हैं करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिनेमा नहीं देखने जा रहे हैं। इस प्रकार से घर की चार द्वारी में ही बंद होकर हम अपने जीवन को हमने रीएडजस्ट कर लिया है। इसके कुछ लाभ भी हैं, हम परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, हमारी जो आपस की जो समझ है वो बढ़ती जा रही है, हमारी एक दूसरे को समझने की जो शक्ति है, हमारी समझने की जो एक योग्यता है, क्षमता है, वो हमारी बढ़ रही है, हम एक दूसरे को अधिक समझ रहे हैं। परंतु साथ ही साथ हम सोशली एक बड़े हिस्से से, अपने सर्कल से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस भी हमारा हो गया है। हालांकि फिजिकल डिस्टेंस हमारा हो गया है, परंतु ये जो नए संचार के माध्यम हैं जिसको सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है, इसके माध्यम से हमने सोशल डिस्टेंस को कम कर दिया है। सोशल डिस्टेंस उतना नहीं रहा, हालांकि ये भी सच है कि हम आमने सामने जो फेस टू फेस बातचीत है, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये शायद अब पुरानी बातें हो जाएंगी, आने वाले समय में भी नहीं होंगी। एक अंतर हमको करने की आवश्यकता है इस लॉकडाउन के पीरियड में, वो है अकेलेपन में और एकांत में। हम में से बहुत से हम परिवार में रह रहे हैं और परिवार में रहते हुए जब हम इकट्ठे बैठ करके गपशप करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, खाना वाना खाते हैं और टीवी इकट्ठे देखते हैं, तो हम एक ग्रुप में रह रहे हैं। परंतु समय समय पर ऐसा भी होता है कि हम अकेले भी हो जाते हैं, हम अपने कमरे में, किसी बाहर कहीं सीढ़ियों में कहीं हम अकेले रहना भी पसंद करते हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो परिवारों में नहीं हैं, जो दूर स्थानों से आए हुए हैं और स्थान स्थान पर काम करते थे और कर रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं। तो हमें एकांत में और अकेलेपन में, दोनों में अंतर करना पड़ेगा। जबकि एकांत जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है, एकांत में हम
अपने आप को सोचते हैं, अपना को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपने बारे में दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं वर्तमान की स्थितियों का, पीछे के जो हालात थे उनका मूल्यांकन करते हैं, कहाँ हमने गलत किया कहाँ ठीक किया उसका मूल्यांकन करते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। जबकि अकेलापन जो है वो धीरे धीरे एक बीमारी बन जाता है और उस बीमारी से स्ट्रेस और बाकी चीज़ें जो इससे डिप्रेशन और ये सब आना प्रारंभ हो जाता है। ये लॉकडाउन में दोनों होने की संभावनाएँ बहुत रहती हैं। देखना ये पड़ेगा कि हम अपने आप को अकेलेपन के हवाले करते हैं या एकांत के हवाले करते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि व्यक्ति भीड़ में भी अकेला हो जाता है और भीड़ में वो एकांत भी प्राप्त कर लेता है, और एकांत में रहते हुए भी वो कहीं अकेलापन ना करके, एकांत में ना हो करके वो भी भीड़ की आकांक्षा करता रहता है। तो जब ये अगर इसको इस तरह से देखा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंटरेक्शन में जो अधिकतर पार्टिसिपेंट्स होंगे, भागीदार होंगे, वो विद्यार्थी होंगे, अध्यापक होंगे या अभिभावक होंगे, पेरेंट्स होंगे, दे वुड बी स्टूडेंट्स और टीचर्स एंड द पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स के दृष्टि से देखें तो स्टूडेंट्स की क्लास नहीं लग रही है, वो अपने मित्रों से वन टू वन नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपने इमीडिएट भविष्य की और दूर के भविष्य की चिंता है, चिंता इस बात की है कि सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा बहुत मन लग रहा है, थोड़ा बहुत अध्यापन की लर्निंग भी हो रही है, परंतु परीक्षा का स्ट्रेस है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कब होगी। और विशेषकर जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि कल को हमारा परीक्षा कब होगी, हमारा रिज़ल्ट कब निकलेगा और कब हम प्लेसमेंट के लिए अपने को जगह स्थान स्थान पर प्रयास करने की स्थिति में होंगे। हम में से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे कि मार्च महीने से पहले या मार्च के शुरुआत में हमको प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स मिल गई होंगी। अब वो उन विद्यार्थियों को भी चिंता है कि ये प्लेसमेंट्स ऑनर होंगी कि नहीं होंगी। इसी तरह से जो अध्यापक हैं, अध्यापक कॉलेज में जा नहीं पा रहे हैं, परंतु ऐसा जानकारी में आया है कि अधिकतर अध्यापक अपने घर से ही विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और उनको ऑनलाइन ही वो लेसन पढ़ा रहे हैं। ऐसा पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव विद्यार्थियों पर, अभिभावकों पर और पूरे समाज में पड़ा है, और अध्यापकों के प्रति एक पहले से अधिक श्रद्धा का भाव बना है। ये भी एक सामाजिक परिवर्तन, जैसे पुलिस वालों के प्रति, हेल्थ वर्कर्स के प्रति, सफाई कर्मचारियों के प्रति, बिजली और पानी की मेंटेनेंस करने वालों के प्रति हमारे समाज में एक आदर का भाव बढ़ा है, पहले भी था और अब भी बढ़ा है। पुलिस के लिए तो जो परिवर्तन एक हुआ है कि पुलिस ने जिस प्रकार से इस समय काम किया है, उससे पुलिस के प्रति जो है सम्मान हर व्यक्ति में आया और उसको सम्मान करने के लिए समाज ने उपाय भी किए हैं। तीसरा जो वर्ग है वो है पेरेंट्स का, जो अपने लिए तो चिंतित हैं ही हैं, क्योंकि उनको अपनी दुकान में जाने का मौका कब मिल रहा है, कब मिलेगा पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, और अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों की पढ़ाई का, बच्चे को करियर का क्या होगा, ये चिंताएं हैं। ये समाज की चिंताएं जो हैं वो सांझी चिंताएं हैं, वो किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की अकेली चिंताएं नहीं हैं। और ये जब चिंताएं सबकी हो जाती हैं तो इनका प्रबंधन भी सामूहिक रूप से होता है। आपने देखा कि हर प्रांत में कॉलेजेस और स्कूलों के और विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या योजना बनानी, बड़ी सक्रियता से ये काम हो रहा है। और प्रयास सबका मिलजुल कर एक ये है कि किसी भी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा में बैठने से
बैठने का मौका ना मिले, ऐसी स्थिति ना हो। हर विद्यार्थी को चाहे समय पर या समय से थोड़ा बाद विलंबित रूप में हर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने का मौका मिले, जिससे उसका साल खराब ना हो, उसका सेमेस्टर खराब ना हो। दूसरा ये है कि ऐसा भी ना हो कि आधा पचद्दा सिलेबस पढ़ा कर के इनकम्प्लीट सिलेबस करके ही परीक्षा ली जाए। ऐसा भी पूरा प्रयास है कि सब विद्यार्थियों को सिलेबस पूरा करना, जितना ऑनलाइन हो सकता है वो ऑनलाइन करना, और जितना आवश्यकता पड़ेगी तो एक इंटेंसिव टीचिंग का एक कुछ दिनों का प्रावधान करके और प्रैक्टिकल्स का प्रावधान करके, चाहे उसके लिए 7 days a week काम करना पड़े और नित्य प्रति डेली 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। परंतु फिर भी शिक्षा में कुछ तो विलंब होने वाला है, परीक्षाओं में विलंब होगा, परिणामों में विलंब होगा, और तुरंत के बाद जो अगर पोस्ट कोविड की बात करें तो एक गंभीर विषय आने वाला है, वो ये आने वाला है कि जो अंतिम वर्ष के जब छात्र हैं, जिनकी अब आजकल मानसिक तैयारी थी और है कि हमारी परीक्षा हो, हमारा परिणाम निकले और हम कुछ ना कुछ काम के लिए लग जाएं, कोई हमें नौकरी मिल जाए, कुछ हम अपना काम कर लें, कुछ कहीं हम आगे पढ़ने का व्यवस्था कर लें, ये सब थोड़ा सा विलंबित होने वाला है। जो हम कल की बात कर रहे हैं उस कल में ये थोड़ा सा विलंब, ये डिलेड एक्टिविटीज़ का एक काल आने वाला है। और अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड अर्निंग के हिसाब से भी देखें तो कोविड के एकदम बाद से नौकरियां कम होने वाली हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि बहुत सी कंपनीज और कॉरपोरेशंस और बाकी संस्थान जो है वो अपने वर्क फोर्स को कम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पूरा कम कर दिया है, कुछ लोगों ने कम लोगों को निकाला है, कुछ लोगों ने सैलरीज कम कर दी हैं। परंतु आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में हमारे को ये नौकरियां कम मिलने वाली है। परंतु इसमें जो बहुत बड़ी आशा है, जो बहुत सिल्वर लाइनिंग है इसमें, दैट इज़ दैट इमीडिएटली आफ्टर ए फ्यू मंथ्स व्हेन द इकोनॉमी रिकवर्स एंड दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू रिकवर वेरी वेरी फास्ट, और जैसे जैसे ये इकोनॉमी रिकवर फास्ट करेगी, विल हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बोथ एज एम्प्लॉयर्स एंड आल्सो एज सेल्फ एम्प्लॉयड स्टार्टअप्स एंड अदर वेज ऑफ मेकिंग लाइवलीहुड। बहुत जल्दी कोविड का असर समाप्त होगा, इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं नॉर्मल में आ जाएंगी, और उसके बाद एकदम जो है वो एक थ्रस्ट आएगा जिसमें हमको बहुत काम मिलने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से, खासकर विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह है कि अगर कुछ कार्यकाल के लिए हमको थोड़ा स्ट्रेस का पीरियड रहे तो उसको सहन करें, और उसके बाद आपके लिए बहुत अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। इसी संदर्भ में मेरा आग्रह ये भी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं, अगर उनको कोई काम नहीं मिलता है तो हमारे विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को कुछ स्पेशल कोर्स ऐसे उनके लिए बनाने चाहिए जिनके करने से उनकी एडिशनल टैलेंट्स निकल के आते हैं या एडिशनल क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस बनती हैं, जिसके कारण से जब वो समाज में जाए तो उनकी एक्सेप्टेंस कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से अधिक हो जाए, हर एक कोई ना कोई विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करे, किसी भी विषय का हो। और ये विश्वविद्यालयों को शॉर्ट टर्म कोर्सेज और जितना हो सके ऑनलाइन कोर्सेज चलाने का प्रयास करना चाहिए, और विद्यार्थियों को भी इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में
जो नए कोर्स चले उनको तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर आज ऑनलाइन ऐसे दुनिया भर में ऐसे बहुत से कोर्स हैं जिनको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिनकी सर्टिफिकेशन रिकग्नाइज होती है और आप किसी ना किसी नए स्किल को सीख लेते हैं, नई विधा को सीख लेते हैं, जिसके कारण सो आपको समाज में जाने में आपको सहायता हो जाती है। इसी तरह से अगर आप वर्तमान स्थितियों के सामाजिक वातावरण और सोशियो साइकोलॉजिकल वातावरण को देखें, तो एक बात तो हम सब ने महसूस की है कि हम एक दूसरे से जाने अनजाने में जुड़े हुए हैं। जाने अनजाने में इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैं स्वस्थ रहूं तो आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है, मेरे लिए आवश्यक है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें तो मैं स्वस्थ रहने की मेरी संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर आपको मैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने को कहूं, आपको सैनिटाइज करने को कहूं, आपको बाकी जो सरकार की जो हिदायतें हैं, जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, भीड़ में नहीं जाना, खाने का परहेज करना, बाकी सब चीज़ें अगर आपको मैं करने के लिए प्रेरित करता हूँ तो ना केवल मैं आपको इस विषाणु से बचा रहा हूँ मगर स्वयं भी इस विषाणु को बचा रहा हूँ। ये जो आप एक दूसरे पर निर्भरता है, जो पारस्परिक निर्भरता है, ये जो इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच एंड अदर, ये इस कार्यकाल में हमको ज़्यादा समझ में आई है। और इसमें किसी जाति का कोई रोल नहीं है, कि आपकी इकोनॉमिक स्थिति का रोल नहीं है, आप क्या काम करते हैं उसकी कोई भूमिका नहीं है। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होने से बचा सकता है। ये जो इंटरडिपेंडेंस की भाव जो इन दिनों हमारे मनों में, हमारे कॉन्शियस में, हमारे चेतना में आया या नहीं आया, परंतु इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको ये समझ में आया है कि हम सब एक दूसरे से इस जीवन में जुड़े हुए हैं और केवल जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक दूसरे से, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ये जो भाव है इसको हमको कल को भी रखना है और परसों भी इसको बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है, ऑक्सीजन कौन दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है कौन लेता है। ये जो आत्मनिर्भरता है, उस आत्मनिर्भरता में भी जो पारस्परिक निर्भरता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक विषय तो ये बहुत ही इस लॉकडाउन के पीरियड में, घरवास के पीरियड में हमको समझ में आना चाहिए और आया भी है, और इसको कल और परसों में हमको कैसे देखना, इसका निर्णय हमको आपस में करना होगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जब हम इस प्रकार से घरवास में रह रहे हैं, हमारे संपर्क केवल मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, टेलीफोन के माध्यम से हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हैं, टेलीफोन के माध्यम से हैं, तो हमारा आपस में जो घनिष्ठता है, जो हमारी इंटीमेसी है, फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए भी हमारी जो इंटीमेसीज हैं, हमारी घनिष्ठताएँ हैं, वो पहले से अधिक बढ़ी हैं और पहले से अधिक घनिष्ठ हुई हैं, वो दृढ़ हुई हैं पहले से। इसको अगर साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी की टर्म में यूज़ किया जाए, इसको कहते हैं एम्पथी। हमने एक दूसरे को पहले से अधिक समझने की एक अभ्यास इन दिनों किया है। हम एक दूसरे को समझते हैं। आपको, आप में से बहुत से लोग, मुझे लगता है हर व्यक्ति ने कुछ कुछ फ़ोन ऐसे किए होंगे, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप ऐसे किए होंगे जिनको आपने कई दिनों से, कई वर्षों से, कई महीनों से शायद आपने कांटेक्ट नहीं किया था। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो या तो आपसे रूठे हुए थे या आप उनसे रूठे हुए थे, उनको भी आपने मनाया होगा। तो ये जो एम्पथी है, ये जो एम्पथी है, एक दूसरे के विषय में सोचना,
कि वो मेरे विषय में क्या सोचता होगा, मैं उसके विषय में क्या सोचता हूँ, उसको समझकर और अपने व्यवहार को बनाना, अपने एक्शंस को बनाना, ये भी इस लॉकडाउन के पीरियड में ये हमारे पूरे समाज ने, पूरे व्यक्ति ने, हर व्यक्ति ने इसको पहले से अधिक समझने का प्रयास किया है। मित्रों, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको हमने जानबूझ के किया हो, ये परिस्थितियों ने हमको करना सिखाया है, और हो सकता है हम इसके, हमें इसका आभास ना हो कि हम ये कर रहे हैं, परंतु ये हुआ है, हम सब में हुआ है। हम पहले से अधिक संवेदनशील हुए हैं, हम पहले से अधिक सेंसिटिव हुए हैं, हमको एक दूसरे के प्रति अधिक भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, और वो भावनाएं अधिकतर सकारात्मक उत्पन्न हुई हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन, ये जो तीन परिवर्तन मैंने आपको बताए कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और एक दूसरे से के लिए हम संवेदनशील हैं, वी एम्पथाइज विद ईच अदर एंड अकॉर्डिंगली वी मेक आवर बिहेवियर्स। ये ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले नहीं था, कोविड से पहले ये तीनों चीज़ें थी, मगर ये कम मात्रा में थी, अब ये मात्रा बढ़ गई है, ये मात्रा बढ़ गई है, और हमको समझ में आने लगा है कि ये जो जीवन है ये मैं का जीवन नहीं है, ये जीवन है हम का, ये मेरे का जीवन नहीं है, ये जीवन है हमारे का। तो इसको जब हम इस संकट काल में जो हम समझ रहे हैं सामाजिक जीवन में, ये हमारे साथ, इसको हम भूलेंगे नहीं, ये हमारे जो व्यक्तित्व में इसका जो पुट, इसका अंश जो बड़ा है, the amount of empathizing skills that we have developed during this period are going to stay with us, and maybe they will enhance and make our life much better after the COVID is over. Similarly, our consciousness of dependence upon each other and consciousness of being connected to each other is going to enhance in the future also. That is the tomorrow and day after of COVID. एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि इस कार्यकाल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी दिनचर्या बदली है, दिनचर्या बदली है, परंतु हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स भी बदले हैं। हमको क्या क्या चीज़ जो है वो अनिवार्य है जीवन में, क्या क्या चीज़ जो है वो आवश्यक है जीवन में, जो आवश्यक तो है मगर अनिवार्य नहीं है, और क्या 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 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना भी हम रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एहसास इन दिनों हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं थी और हमको लगता था इनके बिना हम कैसे रहेंगे, परंतु हमें इस चीज़ को अनुभव किया, इस चीज़ की अनुभूति हुई कि ये आइटम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में लग्जूरियस तो हैं, उनको चाहें तो ले सकते हैं, मगर उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके प्रति हमको बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि ये हमें आवश्यक हैं, इनकी क्वालिटी रखना आवश्यक है। जैसे इन दिनों सबको लगा होगा कि भोजन, आजकल बहुत से जोक भी चल रहे हैं इस पर कि जो पुरुष है वो खाना बना रहे हैं तो उनके क्या क्या अनुभव आ रहे हैं, बहुत मीम्स इसके सोशल मीडिया में चल रहे हैं, और किस प्रकार से व्यक्ति कह रहे हैं कि पोछा लगाना तो बहुत कठिन काम है, झाड़ू लगाना बहुत कठिन काम है, कपड़े धोना तो कठिन है ही मगर कपड़े सुखाने डालना भी बहुत कठिन काम है। ऐसे बहुत सा अनुभव जो हमारा क्रॉस जेंडर अनुभव है वो भी बहुत ही रुचिकर भी हैं, परंतु हमको एक दूसरे के काम की समझ भी आई है। हाँ, हमारे समाज में ऐसा है, माना जाता है, और ऐसा वास्तव में बहुत बड़े समाज में है भी, कि जो गृहिणी है वो जो घर का काम करती है उसका मूल्य हम नहीं मानते, हमको लगता है ये तो करती रहती है, इसका काम है, हमें नहीं पता होता है कि उसमें कितना श्रम जाता है, कितनी प्लानिंग जाती है, कितना उसको, उसका शारीरिक
उसको थकावट होती है, परंतु आज जब हम सब लोग मिलकर एक परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे काम के सहभागिता कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये भी समझ में आया कि हमारा एक दूसरे का काम किस प्रकार से है। और एक बड़ा परिवर्तन जो कल और परसों में आने वाला है, उसका आधार है एक जो एक सामाजिक और कार्य प्रणाली, एक सामाजिक कार्य प्रणाली जो पहले बहुत कम थी, विदेशों में अधिक थी, हमारे भारत में ये कम थी, वो है घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम। आज हमारे में से बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जिन लोगों से बातचीत होती है उनका ये कहना है कि हम वर्क फ्रॉम होम से अधिक घंटे काम कर रहे हैं और अधिक हमारी प्रोडक्शन है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसका, जो हमारे कामों का जो परिणाम है, वो पहले से अधिक और पहले से बेहतर हो रहे हैं। ये एक अनुभव ना केवल कर्मचारियों का, परंतु मालिकों का भी, जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनका भी, एम्प्लॉयर्स का भी, एम्प्लॉयज़ का भी एक बड़ा, बहुत बड़ा अनुभव हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम इज आल्सो एन अल्टरनेटिव, एंड इन सम केसेस इट कैन बी ए बेटर अल्टरनेटिव, एंड इन मैनी केसेस इट कैन बी ए मोर इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव। जब हम इस तरह का अनुभव लेकर के पोस्ट कोविड पीरियड में जाएंगे, तो इसका लाभ ना केवल हमें, ना केवल कंपनीज को, ना केवल सरकारों को और प्रशासन को, परंतु पूरे समाज को इसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि इसकी रिपरकशंस देखिए कि कितनी कम्यूटिंग कम होगी, कितने लोग गाड़ियों में कम जाएंगे, गाड़ियों में जो सड़कों पर कितनी कारें और स्कूटर और मोटरसाइकिल कम होंगे, ये बहुत बड़ा एक अनुभव भारतीय समाज को इन दिनों में हुआ है, जिसके कारण से जो समाज में परिवर्तन होगा, गाड़ियां कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल जो है उसकी कंजम्पशन कम होगी, एक बड़ा सामाजिक और साइकोलॉजिकल, सोशो साइकोलॉजिकल परिवर्तन वर्क फ्रॉम होम भी लाने वाला है। और हमको कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट्स से बच्चों को एक्सपोजर कराना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम क्या है और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। अभी हम सब ने आजकल सीखा, मैंने भी सीखा आजकल कि किस प्रकार से ये जो जूम और वेबएक्स और गो टू मीटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको किस प्रकार से प्रयोग करना। मित्रों, ये सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी थे, मगर हमने इनका प्रयोग नहीं किया, और प्रयोग नहीं करते थे इसका, मगर अब जब मजबूरी आई तो हमने इसका प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद लगा कि इसको तो हम जीवन भर करेंगे, जब ये संकट समाप्त हो जाएगा तब भी करेंगे। तो ये नई सोशल सिस्टम की जो सोशल इंटरेक्शन के जो नए माध्यम बने हैं, आपको अभी इसकी गणना नहीं हो सकती, इसकी क्वांटिफिकेशन नहीं की जा सकती, परंतु परिवार ही नहीं, कुटुंब आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, घंटों सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपस में मिलते हैं, और उससे जो उनमें प्यार मोहब्बत जो बढ़ता है, इंटीमेसी बढ़ती है, मित्रता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, वो बहुत बड़ा गेन इस लॉकडाउन का माना जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये लॉकडाउन समाप्त होगा, कोविड समाप्त होगा, तो इसको हम कोई चिप होगा उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में ये एक स्थायी परिवर्तन बनकर रहने वाला है। एक थोड़ा सा हमको इसको अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें, तो एक नॉर्मल प्री कोविड का था, जो मार्च के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और उससे पहले का था, जो कि प्री कोविड नॉर्मल था। ये इन दिनों जो हमारा पीरियड चल रहा है, इसको हम एबनॉर्मल पीरियड कह सकते हैं, और जो नया पीरियड आएगा उसको हम न्यू नॉर्मल की बात कर सकते हैं। आजकल
जो पूरी डिस्कशन हो रही है मीडिया में और अदरवाइज, एक न्यू नॉर्मल, एक नए सामान्य स्थिति परिस्थिति, एक नए सामाजिक नई सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति की बात हो रही है। ये जो नई सामाजिक परिस्थिति है इसको भी हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन में बदल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जिसको हमने कल कहा वो शॉर्ट टर्म न्यू नॉर्मल है और जो परसों है वो लॉन्ग टर्म न्यू नॉर्मल है। हमारे को ये सारा जो सामाजिक परिवर्तन है कि हम एक दूसरे से अधिक म्यूचुअली, अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि आने वाले समय में, कल और परसों में, हम म्यूचुअली विल रिस्पेक्ट ईच अदर मोर देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल में हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, आने वाले न्यू नॉर्मल में हम एक दूसरे की ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा आदर करने वाले हैं, क्योंकि हमने इस पीरियड में समझा है कि हम सब एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे से ज़्यादा सहमतियाँ प्रकट करने की स्थिति में होंगे। हमारी जो एक यूनैनिमस जो थॉट प्रोसेस है वो अधिक बनने वाला है, क्योंकि हम सबके उद्देश्य एक होने वाले हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य अंतिम लक्ष्य एक होने वाला है। वी आर ऑल गोइंग टू म्यूचुअली लव ईच अदर। हम एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रेम में हम, हमारा जो उसकी जो मात्रा है वो बढ़ने वाली है, और इसी तरह से हम एक दूसरे से, हम जाहिर रूप से एक दूसरे पर अधिक विश्वास करेंगे भी और जताएंगे भी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हम, हमारा जो विश्वास की मात्रा एक दूसरे पर है, द टोटल अमाउंट ऑफ बिलीफ दैट वॉज देयर इन प्री कोविड डेज विद ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज इन गोइंग टू इंक्रीज इन पोस्ट कोविड पीरियड। ये एकदम से बहुत बढ़ेगा, धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा, परंतु जो प्री कोविड नॉर्मल है और पोस्ट कोविड नॉर्मल में, ये पोस्ट कोविड नॉर्मल वुड बी ग्रेटर देन द प्री कोविड नॉर्मल इन एवरी सिचुएशन, दैट इज फॉर ग्रांटेड। इस तरह से हम लोग इस एक स्थिति में ऐसे आएंगे जब हम, हालांकि शायद हम नमस्ते करना ही प्रेफर करेंगे, गले लगना प्रेफर नहीं करेंगे। हगिंग विल बी लेस कन्वीनियंट एंड लेस प्रोमिनेंट, बट नमस्ते करना और एक दूसरे से और तन्मयता से मिलना शायद वो बढ़ने वाला है। अगर इसको ये कहा जाए कि हमारा बिहेवियर चेंज होगा एंड वी विल ऑल, हमारा जो लिविंग टुगेदर है, हमारा जो सामूहिक जीना है, सामूहिक जीवन को जीना, एक दूसरे से मिलकर के जीना, वो पहले से बढ़ेगा। अगर इसको फॉर्मूले में कहा जाए, द क्वांटम ऑफ कम्युनिटी लिविंग इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड पीरियड, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द प्री कोविड पीरियड। नाउ इसमें एक कॉशन भी लेने की आवश्यकता है, एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये जो न्यू नॉर्मल है, ये न्यू एबनॉर्मल भी बन सकता है। इसके भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सावधानी नहीं बरती, तो एक न्यू नॉर्मल जो है वो न्यू नॉर्मल का न्यू एबनॉर्मल भी बन सकता है। बहुत असामान्य स्थिति बन सकती है, जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोप और अमेरिका के देशों में ऐसा अफवाह है या ऐसा जानकारियां आपस में फैल रही हैं कि एक समय ऐसा आने वाला है जब सड़कों पर लूट मार मचेगी। और अभी इन दिनों, पिछले 3 महीने में इन यूरोप और अमेरिका के देशों में जो फायर आर्म्स है, पिस्टल, रिवॉल्वर और बंदूकें, इनकी बिक्री बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को असुरक्षा का भाव ज़्यादा जगा है और उनको लगता है कि ऐसी स्थिति आएगी जब लूटमार मचेगी, तो लूटमार से बचने के लिए हमको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करने के लिए कुछ हमें तैयारी करनी पड़ेगी।
ऐसा एक न्यू एबनॉर्मल की एक संभावना ये भी है। एक न्यू एबनॉर्मल की बड़ी संभावना जो है वो हमारे बड़ी संख्या में, शायद कई करोड़ की संख्या में हमारा जो माइग्रेंट लेबर है, जो अपने पैतृक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर, दूर स्थान पर अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने जाता था, इस लॉकडाउन के पीरियड में जब उसको काम नहीं हुआ, काम हुआ भी तो उसके मन में असुरक्षा की भावना हुई, वो वापिस अपने घर की तरफ गया। वो कैसे गया, उसके जो अनुभव हैं वहाँ रहकर उसके क्या अनुभव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे अनुभव नहीं हैं। एक तो अनएम्प्लॉयड होना, भूख का सामना करना, शेल्टर ना होना, फिर घर की याद, अपनी मातृभूमि की याद, वहाँ पर जाने के लिए कष्ट सहना, और वहाँ जाकर भी, वहाँ कोई बहुत संपन्नता उनको मिलने वाली नहीं है, वहाँ जाकर के भी संकट में रहना, ये एक बहुत बड़ी संख्या में ट्रेंड और अनट्रेंड, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो माइग्रेंट लेबरर है, माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट एक स्किल्ड वर्कर और माइग्रेंट एक जो हमारा एक बहुत बड़ा, जिसका हमारी इस आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, अगर हमने उसको नहीं संभाला, अगर वो दिशा विहीन हो गया, अगर वो दिशा से भटक गया, सामाजिक असामाजिक तत्वों के कब्जे में आ गया, उनके बहकावे में आ गया, तो जो नया एबनॉर्मल बनने वाला है वो बड़ा कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि इस बड़ी संख्या का जो एक उपेक्षित वर्ग, अगर ये कर दिया, इसको हमने उपेक्षित कर दिया, तो बहुत बड़ा संकट होने वाला है। ये इसको भी इससे भी बचने की आवश्यकता है, इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। सौभाग्य का बिंदु ये है कि हमारी सरकार, राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का ध्यान इस तरफ है, और ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है, जो 20 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज दिया है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों को अपने ही पैतृक स्थान पर या उसके आसपास रोजगार देने के लिए किया जाएगा। ये जो एक न्यू एबनॉर्मल बनने को, हम न्यू नॉर्मल बनने को और न्यू बेटर नॉर्मल बनाने का एक प्रयास हमारे समाज को करने की आवश्यकता है, और उससे जो नया समाज बनेगा, एक संभावना अगर एबनॉर्मल बना तो अस्थिरता और अहिंसा का वातावरण बनेगा, और एक अगर हमने उसको न्यू नॉर्मल को हमने रिनोवेट कर लिया, उसको बहुत अच्छा बना लिया, तो जिसकी कल्पना हम सालों से कर रहे हैं कि गांवों में लोगों को रोजगार दिया जाए, गांवों में इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, लघु उद्योग और माध्यमिक उद्योग जो है वो गांवों में ही चलाए जाएं, और वहाँ का जो प्रोडक्शन हो उसको ग्लोबली अवेलेबल किया जाए, तो एक जो न्यू नॉर्मल जो बनने वाला है वो एक बहुत अच्छा नॉर्मल भी बनने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ज़्यादा बड़ी ऑप्शन तो ये है कि हम एक नया नॉर्मल बनाएं, वो हमारा व्यक्तिगत स्तर पे इन दिनों हम अपने जीवन को फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें। विद्यार्थियों को तो कम से कम सोचना चाहिए कि वो अपना जीवन अगले कुछ वर्षों के लिए किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, और जो उन्होंने कैरियर वाला मार्ग चुना है, क्या उस जीवन को प्राप्त करने के लिए वो कैरियर से वो मिलने वाला है, या कि हमें इस मिड टर्म इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छा समय हमें मिला है, शांत वातावरण मिला है, जब हम बैठ करके और लोग अपने वरिष्ठों से बातचीत करके एक बार फिर से अपने जीवन को एक पुनर्योजना बना सकते हैं कि मेरे जीवन की क्या योजना होने वाली है। अध्यापकों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने अध्यापन की कला को और फिर से शार्पन करें। न्यू मीडिया का, केवल ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग करने से काम नहीं चलने वाला है। ऑनलाइन मीडिया में जो अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें एनिमेशन और इलस्ट्रेशन
और AI और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी है, इन सब का प्रयोग करके अपने को जो टीचिंग में हमने बदलाव लाने हैं। एक बात तो तय है कि भविष्य की टीचिंग का एक बहुत बड़ा भाग ऑनलाइन होने वाला है। उस ऑनलाइन को हमने एक क्लासरूम का प्रतिरूप बनाना है या उसको क्लासरूम से बेहतर बना के प्रस्तुत करना है। इसके लिए प्रयास भी शुरू हुए हैं और कोर्सेज को हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनको रिव्यू करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, जिससे कि हम हर एक कोर्स में ये तय कर सकें कि कौन सा पोर्शन ऑनलाइन किया जा सकता है, कौन सा पोर्शन दोनों तरह से किया जा सकता है और कौन सा पोर्शन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, उसको कक्षा में और लैब में ही करना ज़रूरी है। तो अध्यापकों के लिए भी एक मौका है कि वो अपने विषय के बारे में तो और अधिक जाने ही, परंतु अपनी जो अध्यापन की प्रवीणता है, अध्यापन की जो निपुणता है, अध्यापन का जो टैलेंट है, उसको भी कहीं उसको सुधारने का भी प्रयास करें। अभिभावकों से भी एक आग्रह है कि वो कहीं अपने अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं और अपने बच्चों के बारे में भी एक बार पुनः सोचें और सोचें कि उनको जो भविष्य का जो उनको अपना परिवार और कुटुंब बनाना है उसकी रूपरेखा कैसी होनी है। क्या उनको अलग अलग रहना है या एक साथ रहना है, उनको एक हम सबको तय करना पड़ेगा, चाहे अध्यापक हो, चाहे टीचर हो, चाहे अभिभावक हो, हमको तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमको अर्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन और स्ट्रांग बनानी है, या हमको अपनी जो हमारा अंदर का जो चैन है, अंदर का संतोष जो है, अंदर का जो हर्ष है, आनंद है, हमारी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, हमें प्रायोरिटी में हमें एक खुशी चाहिए या प्रायोरिटी में हमें वेल्थ चाहिए, ये आज तय करने की बात है। क्योंकि दुनिया ने ये तय कर दिया है, ये डिसाइड कर दिया कोरोना के माध्यम से कि वेल्थ होने से आप सुरक्षित नहीं हैं, वेल्थ होने से आप प्रसन्न नहीं हैं, परंतु आपके पास इसके अतिरिक्त कुछ है, आपके पास एकत्रित एक होकर कुछ काम करने के लिए, सामूहिक रूप से कुछ काम करने के कुछ आपकी परंपराएं हैं, आपकी आदत है, तो आप बेहतर जीवन बिता सकते हैं। इसलिए हमको ये भी एक बार सोचने की ज़रूरत है। इसलिए जब हम आज लॉकडाउन के पीरियड में जब हम एक असर्टेनिटी की स्थिति में हैं, हमको कुछ पता नहीं है कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब हम ऑफिस जाएंगे, कब हम कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे, कब हमारी परीक्षा होगी, कब हमें जॉब मिलेगी, ये बहुत सी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं और ये कोरोना का वायरस जो है कब तक हमारे साथ चलने वाला है, तो जब ये अनसर्टेनिटीज़ की सिचुएशन में भी हमको जो एक मौका मिला है, जब हमारे पास समय भी है, हमारे पास मौका भी है, अवसर भी है, हमारे पास आसपास में बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए, परामर्श करने के लिए हमारे पास सुविधाएं भी हैं, तो हम इसको देख सकते हैं और तय करें कि जो कल और परसों होने वाला है वो उसको बनाने में हमको मार्केट फोर्सेस के हवाले अपने को करना है या हमने अपनी सामाजिक जो एक दृढ़ संकल्प शक्ति है उसको लगाकर और अपना कल और परसों हमारे समाज ने हम लोगों से मिलजुल करके स्वयं बनाना है। ऐसा जो कल का और परसों का जो भारत है वो ऐसा हमको अपेक्षा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि एक बेहतर भारत बनने वाला है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, चीन और अमेरिका जो स्थितियां हैं, एक दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है और वो वैक्यूम बढ़ेगा, उस वैक्यूम को किसने भरना है, भारत भी उसमें बहुत बड़ा एक भागीदार हो सकता है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए उसको अपनी दादागिरी नहीं दिखानी, परंतु विश्व को एक नई सामाजिक संरचना देना,
विश्व को एक नई दिशा देना, विश्व को जीने की एक नई कला देना, विश्व को जीने का एक नया विचार देना, जिसमें अर्थ प्रधान नहीं है। अर्थ आवश्यक है, मगर प्रधान जो है वो मनुष्य का जीवन है। जब हम इस तरह की बात करेंगे तो ना केवल अपना कल और परसों सुंदर और सुखद बनाएंगे, हम पूरी मानवता की भी सेवा करेंगे और प्रकृति को भी अपने साथ लेकर के प्रकृति के गोद में हम अच्छा भविष्य बनाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, और कोई प्रश्न हो तो उनको लिया जा सकता है। आप हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र का, उनके कुलपति माननीय सत्यपाल सत्यप्रकाश जी का, और इस आयोजन के संयोजक हरीश जी का, और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और मेरी बात को सुना। जय भारत।